आपका है पंडित जी कैंडल से मैं कुछ चलिए आगे आगे बढ़े। दीपोत्सव मनाया गया आज लाइन क्लब ऑफ आरा मदनिया और उसके सातों जो क्लब हैं हम लोग पूरे लाइन क्लब का मिलाकर आठ लाइन क्लब का यहाँ पर है। इनका चेयरमैन हमारे मधेश्वर बाबू हैं और इसलिए हम लोग आज यही दिवाली मिलन समारोह के प्रोग्राम किया गया था। आप लोग समझ जानते हैं कि थोड़ी सी जाम के चलते हमें लगता है कि लाइन बंधु बहुत कम आ गए। हमारा भर के लाइन को इनवाइट किए थे, जब हमारे ही क्लब के कुछ लोग कम आए हैं तो हम दूसरों को क्या कहें। फिर भी हमारे विक्रमगंज से चलकर हमारे पूरी टीम जो आरा अपसम के हैं वो सब लोग आए हुए हैं, जो हमारे अखिलेश बाबू हैं, सोनू जी हैं, उनके और दो लाइन हैं और आरा के जो हमारे गणमान्य लाइन हैं हर प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग मना रहे हैं। आप दीपों का उजाला क्या है, जैसे मदेश्वर बाबू ने किया और आप लोग जानते हैं कि हम लोग समाज में घूम घूम कर कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं, कहीं पर कैंप कराते हैं, कहीं आँखों के करवाते हैं, कहीं बाढ़ में हम लोग बांटते हैं, वो कोई दिखाने के लिए नहीं, गरीबों को खिलाते हैं जैसे कि आप लोगों ने हम देखे हैं। और फिर अभी हम लोग पर्यावरण के काम में अभी अगले ही वीक में पेड़ लगाने वाले हैं, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की रूपरेखा किसी की इसकी कोई रूपरेखा नहीं होती है, ये तो त्रेता युग से चले आ रहा है। जब भगवान राम के लिए ये दीपोत्सव का ये किया गया था तो उस समय से परंपरा आ रही है। परंपरा है कि हम अपने को प्रकाशित करें, समाज को प्रकाशित करें और जो अंधेरे में उसको भी उजाले की तरफ लाए। आज भी बहुत से लोग अंधेरे में है, क्या लगता है उन तक उजाला कब पहुंचेगा? कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयासरत है। उसके लिए हमारा लायंस क्लब ऑफ आरा मिलेनियम अपसम, लायंस क्लब ऑफ जगदीशपुर, मंदे आदि ये जो आठ क्लब्स हैं हमारा हम लोगों के कंट्रोल करके चलाते हैं, ये क्लब भी अपने माध्यम से वैसा ही कार्य कर रहा है। साथ ही जो हम लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं सोसाइटी के लिए, ये भी ये है। रह गई बात की समाज में कुछ देने की, तो चाहे शिक्षा के माध्यम से हो या ट्रेनिंग के माध्यम से हो या अन्य से है, हम लोग उसके लिए पूरी तरह मतलब न्यौछावर कर दिए अपनी लाइफ। देशवासियों को कोई संदेश पूरा देशवासी इस अवसर पर एक सीख लें और एक नई उजाला भारत को प्रकाशित करते हुए दें, ये मेरी कामना है सबसे।